रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बीन्स की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो बीन्स की सब्ज़ी के लिए मैंने लिया है बीन्स 250 ग्राम और इसको छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। टमाटर मीडियम साइज का इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। 4 चम्मच इसमें नारियल का पेस्ट यूज़ किए हैं। 3 से 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यूज़ किए हैं। चाहे तो कोई भी एडिबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको हम इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग का यूज़ किया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1.5 चम्मच इसमें पोस्तों का पेस्ट है। पॉपी सीड्स का पेस्ट इसमें 1.5 चम्मच यूज़ किए हैं। 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें साबुत जीरा है। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है। 1 तेज़पत्ता है। 1/2 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला है और 1/2 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है और हरी धनिया की पत्ती यूज़ किए हैं। अब हम गैस जलाएंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम साबुत जीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे और जब फ़ौरन चटक जाए तब हम इसमें हींग डाल देंगे और प्याज डाल लेंगे और इसे लगातार फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको नरम होने तक इसको फ्राई करेंगे और इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट को डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल नहीं चला जाए। उसके बाद इसमें हम कटे हुए बीन्स की सब्ज़ी को डाल देंगे। अब सब्जी को भी हम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए और हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे और टमाटर भी इसमें हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम नारियल का जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। इसके जगह हम कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्तों का पेस्ट भी डाल देते हैं और सभी सब्जी और मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और फिर इसे चलाएंगे, अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। सब्जी पहले से थोड़ा सा पक गया है लेकिन हमें इसे पूरा पकाना है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। उसके बाद इसको हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट के बाद सब्जी अच्छा से पक गया है, बीन्स अच्छा से गल गया है। अब इसे अच्छा से मिला लेते हैं और इसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं ताकि इससे इसका खुशबू अच्छा आए और हम ये बीन्स की सब्जी को रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत अच्छा बना है ये सब्जी। तो बीन्स की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।